घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। संगीत में स्टैमिना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षमता, आप कितनी देर बैठ सकते हैं, कितनी देर गा सकते हैं, कितनी देर बजा सकते हैं या कितनी देर नाच सकते हैं, जो भी आपका विषय है संगीत में, उसमें क्षमता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी देर तक कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, जब हम क्षमता का अभ्यास करते हैं, यानी उस क्षमता को बढ़ाने के लिए जब हम अभ्यास करते हैं, रियाज करते हैं, तो हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, ये समझिए। यानी कि अगर आप एक तबला वादक हैं, तो जब आप रियाज करते हैं और जब लगातार आप बजाते हैं, कम से कम 15-20 मिनट रेगुलर आप कोई चीज़, एक चीज़ को लेकर बैठ गए, उसको उसका रियाज करते हैं, कोई भी कायदा पलटा है या कोई टुकड़ा है या रेला है, या तीन ताल का अभ्यास कर रहे हैं या किसी ताल का अभ्यास कर रहे हैं अलग अलग लयकारियों में, तो हाथ में वजन पैदा होता है उससे, यानी फोर्स, स्ट्रेंथ पैदा होता है, एक बल पैदा होता है कि जब आप एक छोटा सा भी स्ट्रोक लगाएंगे तो उसका साउंड जो है वो ज़्यादा होगा, उसका रेजोनेंस ज़्यादा देर तक रहेगा। यही गायकी के साथ भी है, जितना आपका ज़्यादा देर बैठने का रियाज है, जो मॉर्निंग का रियाज है, अगर वो आपने किया है, तो आपकी आवाज़ में एक बल पैदा होगा, एक फोर्स पैदा होगा कि आपको ज़्यादा दम नहीं लगाना पड़ेगा गाने के लिए, एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, वो आप थोड़ा सा प्रेशर देंगे वॉइस पर, सुर पर, वो लग जाएगी चीज़, है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करें संगीत में, ज़्यादा से ज़्यादा देर बैठने का अभ्यास करें संगीत में। यानी अगर आप एक चीज़ को लेकर बैठ गए हैं अभ्यास करने, कोई एक अलंकार लिया है, भले ही एक ही अलंकार का अभ्यास है, लेकिन लगातार एक लय में आपने अगर शुरू कर दिया एक बार, तो बस वो रुकना नहीं चाहिए। लगातार कब तक कर सकते हो, उस चीज़ पर फोकस करो कि अगर आप लगातार कर पाओगे तो जाहिर सी चीज़ है उसमें स्ट्रेंथ आपकी धीरे 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 बनती जाएगी और स्टैमिना डेवलप होता जाएगा, तो आप कि वो पार होगी कि आप 2-3 घंटा रेगुलर सिटिंग आप गा बजा सकते हो, है ना। वरना क्या होता है, हमारा हाथ बहुत अच्छा चल रहा होता है, हमारा गला बहुत अच्छा चलता है, हमारे सुर अच्छे लगते हैं, लेकिन स्टैमिना नहीं है हमने, हम कब तक कर पाएंगे वो, है ना। ये समझ लीजिए कि स्टैमिना जब डेवलप हो जाता है अंदर, तो वो आपके कंट्रोल में हो जाता है कि आपको जहाँ जितना चाहिए आप उतना लगा सकते हो। नहीं तो फिर क्या होता है कि कई लोगों का वही धीरे धीरे स्टार्टअप होता है, स्लो स्टार्टअप है कि अभी गला गर्म हो रहा है या अभी हाथ गर्म हो रहे हैं, धीरे धीरे धीरे, फिर वो पेस जो है धीरे धीरे जाते जाते फिर एक टाइम आता है। बट ऑफकोर्स जब आप परफॉर्मेंस देते हो तो वार्म अप आप करते ही हो पहले, या कहीं भी आप प्रस्तुति दे रहे हो तो पहले वार्म अप करोगे, नहीं तो वो परफॉर्मेंस उसी पेस में जाएगी, ये ग्राफ जाएगा, ऐसे शुरू नहीं होगा, वो नीचे बहुत ज़्यादा नीचे से स्लो से शुरू होता है, है ना। लेकिन क्या होता है, जब ये अभ्यास आपने स्टैमिना का कर लिया है, तो आप वो ज़्यादा देर तक उसको बजा सकते हो, गा सकते हो। वरना क्या होगा, 10 मिनट में ही आपका बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था, लेकिन 10 मिनट बाद आप थक जाओगे, गला नहीं चल रहा, उसके बाद वो सुर लगेंगे ही नहीं क्योंकि गला थक गया, है ना। तो जाहिर सी चीज़ें, अगर क्वालिटी है, क्वालिटी बहुत अच्छी चीज़ है आपके अंदर अगर है, लेकिन स्टैमिना भी चाहिए कि कब तक आप बजा सकते हो, कब तक गा सकते हो। क्योंकि मान लीजिए आप किसी की संगत कर रहे हो, तबला की बात करूं, अगर आप तबला संगत कर रहे हो किसी की, गायक की तो स्ट्रेंथ अच्छी है, वो ज़्यादा देर तक गा पा रहा है, लेकिन आप जो है फिर शुरुआत में तो आपने उसके साथ अच्छा बजा दिया, जोश से बजाया, तो उसको भी लगा कि हाँ कुछ है, लेकिन कुछ टाइम बाद आने के बाद, कुछ टाइम चलने के बाद आपका वो जो वज़न था वो ख़त्म हो गया, वज़न कम पड़ गया, ताकत ढीली पड़ गई, तो वो क्यों आती है प्रॉब्लम, क्योंकि आपका स्टैमिना नहीं है। और स्टैमिना रियाज से ही डेवलप होता है। कई बार आपने सुना होगा जो बड़े बड़े कलाकार हो जाते हैं, या फिर जो उम्र में बड़े हैं और काफ़ी टाइम से बजा रहे हैं, लेकिन अब वो प्रोग्राम वगैरह करने लग गए हैं तो रियाज प्रॉपर नहीं है, तो वो यही उनके साथ दिक्कत होती है कि बजाते अच्छा हैं, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं उनके पास और बहुत बढ़िया हाथ है, लेकिन स्टैमिना नहीं है, कब तक बजा पाएंगे वो। एक दो गाने के साथ बजाए फिर हाथ दुखने लग जाते हैं, बॉडी भी साथ नहीं देती है। बट ऑफकोर्स क्योंकि संगीत इतना फिजिकल वर्क नहीं मांगता है, लेकिन क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट वाले विषय हैं, हारमोनियम है, तबला है, सितार है, है ना, वायलिन है, सारंगी है, सरोद है, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वीणा है, फ्लूट है, इन सब में कहीं ना कहीं तो बॉडी काम में आई रही है, तो बॉडी की एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। बट ऑफकोर्स हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं, टू इंक्रीज आर स्टैमिना। हम रियाज क्यों करते हैं, रियाज इज वोकल एक्सरसाइज टू इंक्रीज आर स्टैमिना, है ना। तो रियाज का एक ये फ़ायदा भी है कि उससे आपका स्टैमिना डेवलप होता है, आपकी क्षमता डेवलप होती है, शारीरिक भी और मानसिक। तो आप जो सीख रहे हैं वो तो है ही है, आपकी नॉलेज में जो जो चीज़ें बढ़ रही है वो अलग चीज़ है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए तो शरीर चाहिए, उसके लिए तो गला चाहिए, हाथ पाँव चाहिए, जो अगर आपका कथक भी आप कर रहे हैं तो वो भी उसमें अप्लाई होता ही है, है ना। तो स्टैमिना को डेवलप करना है तो रेगुलर रियाज एक होना चाहिए,
अपने आप आपका स्टैमिना डेवलप हो जाएगा और स्ट्रेंथ देखिएगा आप कैसे बढ़ती है। अगर आप तबला के कलाकार हैं तो बस तीन ताल को लेकर बैठ जाइए, उसकी अलग अलग लयकारियों में जाते जाइए। अगर दादी निंदा दादी निंदा दादी निंदा दादी निंदा इस लय में अगर आपने 5 मिनट भी बजा लिया तो अपने आप धीरे धीरे शरीर में वो गर्मी बनेगी और हाथ में वो हल्कापन आने लगेगा धीरे धीरे। पहले आपको बहुत दम लगा के बजाना पड़ रहा होगा और इतनी लय में कैसे हाथ नहीं चल रहा है, पर धीरे 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 फिर वो हाथ बस अपने आप चलने लगेगा। समझ रहे हैं आप उस चीज़ को कि स्टैमिना हमें उस स्टेज तक ले जाता है जहाँ हमें कुछ नहीं करना पड़ता, चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। अगर आप गायक हैं तो गले से वो तान अपने आप निकलेगी, आप अपने आप उन स्वरों में फिरने लगेंगे, अपने आप वो जंप पैदा हो जाएगा, आपको सोचना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अगर आप कथक हैं, आप कथक करते हैं, तो अपने आप आपके पांव उस लय में जल्दी से मोल्ड हो जाएंगे। आपको ये नहीं कि आप झूल झूल के उस लय को पकड़ेंगे, जैसे दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन ता ता दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा, ये जो जंप था ये आप तुरंत कर पाओगे और एग्जैक्ट उसी लय में स्ट्राइक कर पाओगे। वरना क्या होता है, पहुंचते पहुंचते दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा, ये लटकते 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 उस लय में पहुंचते हैं। तो ये स्टैमिना की कमी होती है, अभ्यास की कमी होती है। तो अभ्यास रेगुलर करो और स्टैमिना इंक्रीज करो, बस मेरा इतना ही कहना है। ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड की वीडियोस एंड जो जो चीज़ें हम बताते जाते हैं उनको अपने अभ्यास में अप्लाई करो। महज ये वीडियो देख के ये मत सोच लो कि आ जाएगा संगीत। जो संगीत आप सीख रहे हो, जो अभ्यास आप कर रहे हो, बस उनमें मेरी इन टिप्स को अप्लाई कर लो, आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।